नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल रेयर फैक्ट्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सांची के स्तूप के इतिहास के बारे में। जी हां, इस ऐतिहासिक स्तूप का निर्माण मौर्य साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक अशोक द्वारा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। इसके निर्माण का कार्य सम्राट अशोक ने अपनी पत्नी महादेवी सक्य कुमारी को सौंप दिया था, जो विदिशा राज्य के एक व्यापारी की बेटी थी। सम्राट अशोक और महादेवी सक्य कुमारी का विवाह भी सांची में हुआ था, इसलिए सम्राट अशोक और उनकी पत्नी ने इसके निर्माण का कार्य करवाया था। इस स्तूप को पहले ईंटों से बनवाया गया था, जिसे शुंग काल के दौरान पत्थरों से ढक दिया गया था। इस स्तूप में तोरण द्वारा और कटघरों का निर्माण सातवाहन काल में किया गया था, जिन्हें सुंदर रंगों से रंगा गया था। माना जाता है कि द्वार पर बनाई गई कलाकृतियां और द्वारों के आकार को सातवाहन राजा सातकर्णी ने ही निर्धारित किया था। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि स्तूप आखिर में होते क्या है। स्तूप एक पवित्र बौद्ध स्थल है, जिसे चैत्य भी कहा जाता है। इसका आकार एक अर्ध गोलाकार टीले के आकार की संरचना जैसा होता है। इसका उपयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है और वहां पर भगवान गौतम बुद्ध की आराधना की जाती है। माना जाता है कि महापरिनिर्वाण के समय महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को यह कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को पूरे विश्व में फैलाकर उनके स्तूप बनाए जाएं। तो चलिए आज हम सांची के स्तूप के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। सांची में स्थित स्तूप भारत के सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है, जिसका निर्माण तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक मौर्य द्वारा किया गया था। यह प्रसिद्ध स्तूप 14वीं शताब्दी तक निर्जन हो गया था, क्योंकि इसके संरक्षण के लिए उस समय किसी भी शासक ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। इस स्तूप की खोज वर्ष 1818 में एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने की थी। स्तूप की निर्जन हो चुकी अवस्था को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन मार्शल को इसके पुनर्निर्माण का कार्यभार सौंपा था। सर जॉन मार्शल ने वर्ष 1912 से 1919 तक इस स्तूप की संरचना कर इसे पुनः खड़ा किया था। यह स्तूप भारत के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 21.64 मीटर और व्यास 36.5 मीटर है। स्तूप में चार तोरण द्वार भी है, जिन पर गौतम बुद्ध के जीवन से लेकर परिनिर्वाण तक की कथाएं चित्रित की गई है। वर्ष 1919 में सर जॉन मार्शल ने इसके संरक्षित करने के लिए एक पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की, जिसके बाद में सांची पुरातत्व संग्रहालय में परिवर्तित हो गया। सांची नामक स्थान पर गौतम बुद्ध द्वारा कभी भी दौरा नहीं किया गया था, भले ही आज इस स्थान पर बौद्ध धर्म का अपना एक ऐतिहासिक महत्व हो। इस स्तूप का निर्माण बौद्ध अध्ययन और बौद्ध शिक्षाओं को सिखाने के लिए किया गया था। स्तूप के निकट सबसे प्रसिद्ध अशोक स्तंभ, जिसमें सारनाथ की तरह चार शेर शामिल है, पाया गया है। सांची के पहले स्तूप में बड़ी संख्या में ब्राह्मी लिपि में शिलालेख पाए गए हैं। इस स्तूप की संरचना और शिल्पकारिता को देखते हुए वर्ष 1989 में से यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।